हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। अभी कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस को समर्थन देने वाले समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कांग्रेस को झटका देने वाला बयान दिया है। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता दिख रहा। अखिलेश के ताजा बयान से ये साफ हो गया कि क्षेत्रीय दलों को मोदी के खौफ का बहाना लेकर साथ लाना मुश्किल है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपने अस्तित्व के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को बराबर ही खतरनाक मानते हैं। जाहिर है अखिलेश का यह बयान उसी डर का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम कांग्रेस का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश में हमारे विधायक को मंत्री नहीं बनाकर हमारा रास्ता साफ कर दिया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अखिलेश के इस बयान को काफी अहम माना जा रहा है। अखिलेश के इस बयान का साफ मतलब है कि अखिलेश यादव महागठबंधन की बजाय तीसरे मोर्चे के साथ जा सकते हैं। अखिलेश ने कहा भी है कि तीसरे मोर्चे के गठन के लिए पिछले काफी दिनों से कोशिश भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की कोशिश का समर्थन करता हूं और उनसे मिलने खुद हैदराबाद जाऊंगा। इससे पहले दिल्ली में केसीआर से अखिलेश की मुलाकात नहीं हो सकी थी। याद कीजिए, पिछले दिनों राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि इस मसले पर जेपीसी जांच की जरूरत नहीं है। उस वक्त ही अखिलेश के बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे थे। उस बयान का मतलब अखिलेश के इस ताजा बयान से ही निकलता दिख रहा है। बिहार में भले ही महागठबंधन ने कुशवाहा की पार्टी समेत कई दलों को साथ लाकर बढ़त बना ली हो, लेकिन उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यह काम आसान नहीं होगा। अखिलेश को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाए तो मायावती को साधना महागठबंधन के बस की बात नहीं दिखती। लोकसभा चुनाव नतीजे आने तक मायावती के मूड का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बात तीसरे मोर्चे की संभावना की करे तो इसे नकारना मुश्किल है। केसीआर, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अगर साथ आते हैं तो चुनाव नतीजों के बाद भी कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर समेत कई दलों का साथ मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सरकार बनाने की स्थिति में कांग्रेस भी साथ आ जाए। देश में पहले भी तीसरे मोर्चे की सरकार बनी है और उन्होंने कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से कमतर प्रदर्शन नहीं किया है। देश में पहली बार साल 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सरकार बनी थी, जो अगले साल 1990 में आपसी कलह की वजह से गिर गई। फिर कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर ने सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने। फिर साल 1996 में कांग्रेस के समर्थन से सात दलों ने मिलकर सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल ने बारी बारी से किया। ब्यूरो रिपोर्ट, रेड नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, यूट्यूब पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।